हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि नवरात्रि सीज़न चल रहा है और हम सब फास्टिंग करते हैं, बहुत लोग 9 दिन की भी फास्ट रखते हैं। व्रत में हमें ज़्यादा कुछ खाना पीना तो होता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी इजी और हेल्दी रेसिपी लाई जाए जो खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो और झटपट बन के तैयार भी हो जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। पनीर तो सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी है। हम सबसे पहले इसमें 300 ग्राम पनीर ले लेंगे, उसे ऐसे पीसेज में कट करके घी में फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी पनीर की सब्ज़ी बना सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे फ्राइड की हुई पनीर की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ देंगे, और जब ऐसे इस स्टेज पे जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसे अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम इसी बचे हुए घी में अपनी ग्रेवी के सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे, जब तक कि जीरा चटकने ना लगे उसे ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें हरे मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। अब इस स्टेज पे हम काजू की प्यूरी ऐड करेंगे। इसमें हमने 10 से 15 काजू लिए हैं। काजू का पेस्ट हमने इसलिए ऐड किया है कि इससे ग्रेवी का ना टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे। इसमें हमने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। पेस्ट हम ऐड करने के बाद इसे ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से भुनने देंगे। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक कि घी जो है कढ़ाई को ना छोड़ दे। अब हम इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और फिर नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और काली मिर्च पाउडर। और फिर हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, इसका कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है। और अब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। फिर हम इसमें अपने फ्राइड किए हुए जो भी पनीर है वो सारे ऐड कर लेंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमें ज़्यादा जाएंगे इसे चलाने, क्योंकि पनीर हमारे टूट जाएंगे। अब हमारे पनीर अच्छे से तैयार हो गया। अब आप इस स्टेज पर पानी ऐड कर लेंगे। मैंने पानी ज़्यादा नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे थिक ग्रेवी चाहिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। और इसमें बॉईल आने पर हम इसमें ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया ऐड कर लेंगे। अब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो खाओ पियो, मज़े करो, और हम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सब्ज़ी कैसी बनी थी। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।